नमस्ते जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो मैंने आपके बारे में काफ़ी लोगों से सुना है कि आप YouTube में आपके लेक्चर्स बहुत लोग देखते हैं और आपका नाम कृष्ण किशोर दास है, तो ये उपाधि किशोर आपके यौवन की वजह से दिया गया है या कोई और वजह से? हमारी जब दीक्षा हुई थी 2015 में, तो उस समय पर हम स्टूडेंट थे और बहुत पतले भी थे, हो सकता है इसलिए ही नाम मिला हो। लेकिन ये नाम का मुख्य अंग है दास। दास का अर्थ होता है सेवक। तो हमें जब आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश मिलता है तो हम दास बनते हैं, भगवान के दास, भक्तों के दास और पूरे समाज के दास। जी तो आध्यात्मिक नाम का मुख्य अंग होता है कि भगवान का सेवक बनना। तो आप कब भक्ति में जुड़े? मैं जब स्कूल में था 2007 में, तब प्रभुपाद की पुस्तकों से मेरा परिचय हुआ, स्कूल में ही? स्कूल में ही। अच्छा। और उस समय पर मुझे दो पुस्तकें मिली थीं, एक सिविलाइजेशन ट्रांसेंडेंस और दूसरे प्रहलाद महाराज के दिव्य उपदेश। तो उस समय पर हम प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ के फिर इस्कॉन में प्रवेश किया। अच्छा, तो आपकी पढ़ाई उसके बाद क्या हुई थी? तो मैंने स्कूल कंप्लीट किया और उसके बाद मैं कोटा 2 साल रहा, अच्छा 11th और 12th में, और उसके बाद फिर हमने VIT से इंजीनियरिंग कंप्लीट की, ऐसी। किस स्ट्रीम में? कंप्यूटर साइंस। तो उसके पश्चात आप नौकरी भी करते थे या? हाँ हमारा प्लेसमेंट हुआ था 3rd ईयर में, और फिर जब कॉलेज कंप्लीट करने के बाद हम कंपनी में गए पहले दिन, तो वहाँ पर देखा कि एक 4x4 का क्यूबिकल है। तो वहाँ पर देख करके हम अनुमान कर रहे थे कि हमारा भविष्य ये 4x4 की क्यूबिकल में होने वाला है तो हमने कहा कि हम अपने जीवन को इस छोटे से स्थान में नहीं देंगे, हमको ऐसा कुछ करना है कि हम जगत के लिए कुछ अच्छा कर पाए। जी। तो इसलिए फिर हमारा वही पहला और आखिरी दिन हो गया जॉब अच्छा। का फिर हमने वह छोड़ के स्वयं का एक स्टार्टअप किया, वी स्टार्टेड ए कोचिंग। कोचिंग, ओके। तो हम उसमें छात्रों को पढ़ाते थे और साथ में कृष्ण भावनामृत की भी शिक्षा देते थे। ओके। तो उस तरह फिर तो वो कब तक आपने किया? वो हमने कुछ लगभग 1 साल कंप्लीट किया, ओके। और उसके बाद फिर हम ट्रैवलिंग करने लगे। इस्कॉन के एक बहुत ही वरिष्ठ सन्यासी हिज होलीनेस भक्तिचारू स्वामी महाराज के साथ फिर हम उनके सेक्रेटरी के रूप में ट्रैवल करने लगे, ओके और अलग अलग स्थानों पे हम लोग प्रचार के लिए जाते थे। ओके। तो पूरे वर्ल्ड में जाने का मौका मिला, अलग अलग लोगों से मिलने का, प्रचार करने का मौका मिला। तो काफी छोटे आयु में ही आपने पहले तो भक्ति में प्रवेश किया और फिर आपका यूथ के साथ काफी मतलब कनेक्शन रहा। यू वर टीचिंग एंड यू ट्रैवल्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप विद यूथ? यूथ के क्या समस्याएं हैं और आप क्या क्या? द ओनली प्रॉब्लम इज कि अभी यूथ को डायरेक्शन नहीं मिल रही है। दे हैव एनर्जी, उनके पास एनर्जी है, उनके पास इंटेलिजेंस है, उनके पास विगर है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। ओके। वैदिक समय में जो वर्णाश्रम सिस्टम था, जो वर्णाश्रम पद्धति थी, उसमें बचपन से ही व्यक्ति को अपनी कलाओं को, अपनी प्रतिभाओं को, अपने गुणों को जागृत करने का अवसर दिया जाता था। जैसे कोई क्षत्रिय प्रवृत्ति का है तो उसको बचपन से ही क्षत्रिय बनने का मौका मिलता है। कोई आर्टिस्टिक है तो उसको बचपन से ही वह मौका मिलता है। कोई शास्त्रज्ञ है तो साहब से ही उसको मौका मिलता है। जी। लेकिन अभी एक वन शॉट वी वांट स्लेव्स, वी वांट शूद्रस। जैसे कि हम शब्द इस्तेमाल करते हैं नौकरी, नौकरी कौन करता है? नौकर तो जैसे ही व्यक्ति स्कूल में आता है, एक काइंड ऑफ हिप्नोटिज्म कि उसको धीरे धीरे ट्रेन किया जाता है कि आप जो कुछ हो उसको भूल जाओ और हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बन जाओ। तो बाय द एंड ऑफ द एजुकेशन एक रोबोट बन करके तैयार होता है। अब उसके पास एनर्जी है, सब कुछ है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है। तो फिर वो इधर उधर अपने आनंद को ढूंढता है। कई लोग नशा करने में लग जाते हैं, कई लोग अवैध संग करने में लग जाते हैं, कई लोग दूसरों को चीट करने में लग जाते हैं, कई लोग अलग अलग गंदी गंदी आदतों में लग जाते हैं, और उसकी वजह से वो स्वयं भी पछताते हैं, कष्ट भोगते हैं, और उनके परिवार वाले भी कष्ट कष्ट भोगते हैं। होते हैं। अगर एक सही आयु में उनको डायरेक्शन मिल जाए, मार्गदर्शन ठीक मिल जाए, तो यूथ हैव दिस पावर टू चेंज द वर्ल्ड।
पूरे विश्व को परिवर्तन कर सकते हैं। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि यू टॉकिंग अबाउट करियर काउंसलिंग, कि पहले ही एक असेसमेंट हो, जैसे आजकल दे डू साइकोमेट्रिक टेस्ट टू असेस कि आप किस दिशा में आपकी प्रवृत्ति अच्छी है, वेयर यू कैन फ्लरिश, एंड देन दे ट्राई एंड स्ट्रीमलाइन योर एजुकेशन। उसी के साथ एक चरित्र का निर्माण हो। ओके, उसको हम कई बार भूल जाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत ही निपुण डॉक्टर है, लेकिन बस एक गंदी आदत है कि वो जब ऑपरेशन करता है तो एक आध ऑर्गन चुरा लेता है, तो क्या हम उसके पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो स्किल से ज्यादा जरूरी है चरित्र। तो जब युवाओं का चरित्र निर्माण होगा तो उनकी प्रतिभाओं का, कलाओं का ठीक इस्तेमाल हम कर पाएंगे, नहीं तो समाज में अनैतिकता फैलाएंगे, वह विशेष बात। लेकिन हम देखते हैं कि आजकल के मूवीज जो बनते हैं या सीरियल्स बनते हैं, वो तो एक तरह से जो क्रिमिनल्स हैं उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि यू नो ओशंस 11 इन लोगों ने मिलकर चोरी की, कैसे वो अय्याशी किए, भले बाद में फंसे, प्रॉब्लम में आए, बट फिर भी उसके रिपरकेशंस हम देख रहे हैं कि पहले ज़्यादा क्राइम था कि अभी ज़्यादा क्राइम है। पहले लोग सेटिस्फाइड रहते थे, अपने जीवन में संतुष्ट रहते थे, चाहे उनके पास बहुत कम संसाधन थे। अभी इतना कुछ होने के बाद भी सभी लोग साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। मैंने बैंगलोर की स्टेटिस्टिक्स देखे थे, 70-80% ऑफ IT पीपल आर अंडर स्ट्रेस और 20-30% पीपल आर गोइंग टू साइकेट्रिस्ट। और एक मजे की बात, 4 साइकेट्रिस्ट में से एक साइकेट्रिस्ट दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जाता है। सो दिस अनदर फनी एस्पेक्ट, बहुत ज्यादा उन्होंने लोड ले लिया, दूसरे के पास जाना पड़ रहा है। सो द थिंग इज द वे यू आर मूविंग द सोसाइटी, we are facing the result also. But then our academic syllabus etc. is streamlined that way ki sabhi ko same subjects padhna padta hai, you know, everybody studies the same. Fir aap jab class 10 par kar dete hain, then you pick up science, arts or humanities or commerce, and then you again, you know, 4 years of engineering or 5 years of medicine, you decide. So are you suggesting ki early on in the in a childhood itself, you kind of decide which line you want to take and specialize? Exactly. That is Vedic studies. See, our Indian culture or Vedic culture was far beyond than any other culture. जब बाहर के पाश्चात्य देश barbarians थे, पत्थर घिस के अग्नि निकाल रहे थे, तब हमारे यहाँ पर महाभारत रामायण के काव्य बच्चे सुनाते थे, तो हमारी संस्कृति बहुत उच्च संस्कृति थी। बट जब विदेशी आक्रांता हमारे देश में आए, सबसे पहले आक्रमण किया हमारी विद्या प्रणाली पर, सबसे पहले कि अगर हम इसको नहीं खंडित करेंगे तो ये लोग कभी भी गुलाम नहीं बनेंगे। अब हो सकता है ऑफिशियली 75 साल पहले हम गुलामी से आज़ाद हो गए, अमृत महोत्सव भी हम मना रहे हैं, लेकिन क्या वास्तविकता में वो गुलामी की जड़ हमारे सिस्टम से गई है? नहीं गई। अभी भी हम उनका सिखाया हुआ वैदिक प्रणाली को छोड़ के उनका सिखा हुआ शिक्षा प्रणाली दे रहे हैं। तो जब हम पुनः अपने वैदिक प्रणाली को लाएंगे तो हम देखेंगे किस प्रकार से पुनः भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, बट इसमें भी शायद ये वैदिक संस्कृति वाला जो स्पेशलाइजेशन राइट फ्रॉम द अर्ली स्टेज वाला ऑप्शन शायद नहीं आया, अभी नहीं आया। बट वी हैव मोर ओपन स्कूल, कई बार अच्छी चीजों को स्वीकार करने में समय लगेगा। कोई ऐसे खाता है, इट्स नॉर्मल, कोई ऐसे खा रहा है तो उसको बोलेंगे ये कुछ नया कर रहा है, तो जब वो ऐसे खाते खाते उनको लगेगा नहीं, दिस इज टू मच ऑफ टाइम वेस्ट, लेट अस अगेन ईट लाइक दिस, उसमें थोड़ा समय लगता है। तो आपको लग रहा है कि ये जो स्पेशल सिचुएशन है आजकल के, इसमें भी कुछ अच्छा निकाला जा सकता है? यानी कि स्पेशलाइजेशन तो अभी नहीं होंगे बचपन से, बिकॉज द पॉलिसीज आर नॉट लाइक दैट, पर सिर्फ वैल्यू एजुकेशन देने से बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि अगर एक फॉर्मेटिव ईयर्स में उनको भगवद गीता इत्यादि ग्रंथों की शिक्षा दी जाए, तो वो अपने जीवन में एक चरित्रवान व्यक्ति बनेंगे, तब फिर आगे जा करके जिस भी क्षेत्र में वो जाएंगे वहाँ पर वो ईमानदारी से अपना काम करेंगे, वहाँ पर वो मानवता के लिए काम करेंगे, वहाँ भगवान की सेवा के लिए काम करेंगे, तो उस समय एक अच्छे समाज की सृष्टि हो पाएगी। नहीं तो हर व्यक्ति दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगा रहेगा और उससे समाज में और ज़्यादा अनैतिकता फैलेगी और ज़्यादा क्राइम बढ़ेगा।
यानी कि कम से कम अगर हमें दूसरे व्यक्ति के कार्य कुशलता पे विश्वास भले ना हो या हमें पता ना हो कितने निपुण हैं, कम से कम उनके नियत के बारे में हम निश्चिंत रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मैंने डॉक्टर का आपको उदाहरण दिया, दूसरा उदाहरण, दूसरा डॉक्टर हो सकता है जो इतना निपुण ना हो लेकिन ईमानदार है, तो हम बोलेंगे कम से कम ऑर्गन तो नहीं चुराएगा, उसके पास जाएंगे। तो इसलिए कैरेक्टर बिकम्स द मेन फैक्टर, उसके ऊपर चला जाता है, नैतिकता के ऊपर चला जाता है। जिन आतंकवादियों ने अमेरिका पर अटैक किया था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया था, क्या वो बुद्धिमान नहीं थे? बिल्कुल। जिन्होंने हमारे ताज पर और ओबराय हाउस पर आक्रमण किया था, क्या वो बुद्धिमान नहीं थे? तो केवल बुद्धिमत्ता से या गुणों से ही बात नहीं होती है, चरित्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो ये परिवर्तन कैसे लाया जाए, यानी नैतिकता की जो शिक्षा है स्कूल्स में तो होता है, एक तरह से वैल्यू एजुकेशन दिया जाता है, कभी ना कभी एक टीचर भी अपॉइंटेड किए जाते हैं, स्कूल से ही करते हैं, तो क्या ये सिस्टम सही है या एक जैसे आपकी संस्था है, संस्थाओं को ये करना चाहिए, क्या आप करें? देखिए, जब भी समाज में कोई परिवर्तन आता है तो हर एक व्यक्ति को उसका भागीदारी होना पड़ता है। कोई एक व्यक्ति या एक संस्था या एक माध्यम से हम समाज को चेंज नहीं कर सकते। वह बच्चा स्कूल में मॉरल साइंस सीख करके आता है, बट जब घर में आता है तो उसी के पापा बोलते हैं, बेटा फोन उठा के बोल दो कि पापा घर पे नहीं है, तो वहां जाके फिर मॉरल साइंस पंचर हो जाती है। जब पूरा समाज एक साथ शास्त्रों के आधार पर आचरण करने का प्रयास करेगा, तब धीरे धीरे व्यक्तियों के अंदर वो संस्कार आएंगे। तो उसकी शुरुआत हर स्तर पर होनी चाहिए। जैसे हम पिता माता को भी शिक्षा दें, बच्चों को भी शिक्षा दें, बुजुर्गों को भी शिक्षा दें। इसीलिए पहले जमाने में मंदिर शिक्षा के केंद्र होते थे। अभी हम मंदिर में क्यों जाते हैं? कोई बूढ़ी माता जाती है, थोड़ी घंटी बजाती है, अठन्नी डालती है, वापस आ जाती है, यह मंदिर का अभिप्राय नहीं था। मंदिर बने हैं शिक्षा के केंद्र, वहां पर हर व्यक्ति जाता था, बच्चे बूढ़े जवान, जितने भी संस्कार होते थे, विवाह संस्कार इत्यादि सब मंदिरों में होते थे, क्योंकि वहां पर पूरा समाज जाए और शिक्षा ग्रहण करे नैतिकता की, शास्त्रों की, और उसके उधार पर एक अच्छे समाज का गठन हो। तो इसलिए हमारे सारे जो केंद्र हैं वो वही प्रयास कर रहे हैं। आप कभी इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो आपको वहां पर दर्शन से ज्यादा शिक्षा मिलेगी, वहां पर पुस्तकें मिलेंगी, शास्त्र मिलेंगे, प्रवचन मिलेंगे, कोर्सेस मिलेंगे। यह पूरा एक प्रयास है समाज में शास्त्रों की शिक्षाओं को देने का। तो आपके बातों से यही लग रहा है कि सिर्फ बच्चों को शिक्षा की जरूरत नहीं है, हम बड़ों को भी, बड़ों को ज्यादा है, ताकि हम जो उनको शिक्षा दी गई हो उसको बिगाड़े ना। परफेक्ट, ये बात सही है। तो अब हम एक दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं, जो आप थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि विवाह के बारे में। तो आजकल अखबारों में ये चर्चा बहुत चल रही है कि ये जो हत्या हुई है, कि एक कन्या का, मतलब पहले तो ये लिव इन रिलेशनशिप था, एंड इन दैट लिव इन रिलेशनशिप द मैन ही किल्ड द लेडी एंड कट हर इनटू स्मॉल पीसेस, और पूरे शहर में उसके बॉडी के अंगों को बिखरा दिया। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और ऐसे ना होने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, स्वार्थ परायणता किसी भी हद तक जा सकती है। हम कई बार मूवीज़ के स्टार्टिंग में देखते हैं कि नो एनिमल्स आर इंजर्ड इन द मूवी, बट उसी मूवी में हम देखते हैं कि नॉन वेज भी खा रहे हैं। तो हाउ कैन दे क्लेम दैट नो एनिमल्स आर इंजर्ड? यू नो, इट्स जस्ट टू सेट देयर ओन मोटिव। केवल हमारे कार्य को सिद्ध करने के लिए, स्वार्थ परायणता के लिए हम दूसरे जानवरों की हत्या करते हैं। अब देखिए, खीरा चोर या हीरा चोर, चोर तो चोर। आप एक किसी के घर से खीरा चुरा लीजिए या फिर हीरा चुरा लीजिए, आप चोरी कहलाएंगे। तो अगर हम छोटे छोटे मासूम जानवरों की हत्या कर सकते हैं केवल अपने जिह्वा के स्वार्थ के लिए, वही स्वार्थ परायणता इस स्तर तक चली जाएगी, उसी का प्रमाण हम देख रहे हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जो कलयुग के लक्षण बताए हैं, उसमें इस तरह बताया है कि जब समाज ईश्वर विहीन हो जाएगा तो वो स्वयं के ऊपर केंद्रित होगा और इतना स्वार्थी हो जाएगा कि पूरी प्रकृति का शोषण कर देगा। उस समय प्रकृति अनाज देना बंद कर देगी और ऐसी स्थिति में वह जानवरों को पकड़ पकड़ के खाएगा।
जब जानवरों को खा जाएगा उसके बाद पक्षियों को खाएगा, जब पक्षियां भी समाप्त हो जाएंगे मनुष्य एक दूसरे को खाएंगे, और जब एक दूसरे से बच करके गुफाओं में रहने लगेंगे तो माता पिता जिस संतान को जन्म देंगे उस संतान को ही खा जाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है, भागवत में कलयुग का सिद्धांत बताया है और उसके लक्षण हम अभी से देख रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति की स्वार्थ परायणता में किसी की जान ले लेना, किसी को इस तरह क्रूरता से हत्या कर देना। अभी भी अगर हम समाज में सुधार नहीं लाएंगे ऐसे और ज्यादा प्रमाण हम आगे देखने के लिए मिलेंगे। तो आप ये कह रहे थे कि मनुष्य की स्वार्थता कि एक दूसरे को खा जाएंगे, लेकिन अगर हम दूसरे दृष्टि से देखें, जब बड़े बड़े संस्थाएं या इवन राज्य सरकारें जब अपने स्वार्थ के लिए कि ये मेरे देश के स्वार्थ में है, मेरे देश के हित में है, वो किसी और देश की कोई और चीज़ को काबू में करना चाहती है वो देश, जैसे ऑयल हुआ, तो ऑयल को पाने के लिए कभी कभी एक सरकार दूसरे राज्य में कुछ परेशानी शुरू कर देती है, वेदर इट्स एन एम्बार्गो, ट्रेड एम्बार्गो हुआ, या फिर उनको वहाँ पे कुछ डिजीज स्प्रेड कर देते हैं, जैसे अभी कहते हैं कि कोविड में हुआ। तो ये भी तो एक तरह से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को खाने वाले बात ये है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फिशनेस। यस, जैसे पहले मैं स्वार्थी था अपने शरीर के लिए, अब मैं स्वार्थी हूँ अपने परिवार के लिए, फिर मैं स्वार्थी हो गया अपने समाज के लिए, अब मैं स्वार्थी हो गया अपने देश के लिए। तो यही स्वार्थ परायणता का ही एक उदाहरण है। लेकिन वैदिक शिक्षा है वसुधैव कुटुंबकम, जहाँ पूरे विश्व को एक कड़ी में हम बांधते हैं। यूनाइटेड नेशंस बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है हर साल वहाँ झंडे बढ़ते जाते हैं। इसका मतलब क्या है? देश विभाजित हो रहे हैं। लेकिन ये जो आप युद्ध की बात कर रहे थे, उस समय पर ही मैं वृंदावन गया था और वृंदावन के एक मंदिर पे एक दंपति दर्शन कर रहे थे। मैं उनके पास जाकर के पूछा, आप कहाँ से आए? बोलते मैं रशिया से हूँ और मैं यूक्रेन से हूँ, दोनों की शादी हुई। तो कृष्ण भावना अमृत या वैदिक संस्कृति ऐसी है जो पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने का लक्ष्य रखती है। अगर हम भगवान को अपने जीवन का केंद्र नहीं बनाएंगे तो हम सबके अलग अलग ही प्रयोजन होंगे जी। हम बोलते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड, बट व्हेन वी आर ब्रदर्स, व्हेन वी आर सेम फादर। यूनिवर्सल ब्रदरहुड इज नॉट पॉसिबल अंटिल वी हैव यूनिवर्सल फादरहुड। तो इसलिए समाज को यह समझना जरूरी है कि हम सब भगवान की संतान हैं। जब हम भगवान की संतान हैं, एक दूसरे को कष्ट देने से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। जैसे एक बार एक पिताजी के दो पैरों को दो बच्चे पैर दबा रहे थे, दोनों की आपस में बनती नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, थोड़ा मजा चखाते हैं। तो जो लेफ्ट पैर दबा रहा था उसने राइट पैर में चिमटी खोटी कि पिताजी को लगा कि वो दूसरे भाई ने खोटी है। पिताजी चिल्लाने लगे तो दूसरे को बड़ा गुस्सा आया, उसने लेफ्ट साइड में करी, फिर राइट साइड, फिर लेफ्ट साइड, दोनों को ऐसा लग रहा है कि वो एक दूसरे से बदला ले रहे हैं, बट किसको कष्ट हो रहा है? पिताजी को कष्ट हो रहा है। तो उसी प्रकार से हमको लगता है कि नहीं देखो हमने उनको एक्सप्लॉइट करके हमारा आनंद ले लिया, लेकिन भगवान उससे खुश नहीं होते हैं। और जब भगवान खुश नहीं होते हैं तो पूरी प्रकृति खुश नहीं होती है, क्योंकि वो प्रकृति के जड़ मूल है। तो अगर हम जड़ में पानी डालें पूरे पेड़ को पोषण मिलता है। उसी प्रकार से अगर समाज में ईश्वर चेतना पुनः जागृत हो तो फिर हम एक दूसरे की भलाई कर पाएंगे, एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और पूरे विश्व को एक परिवार बना पाएंगे। तो इसका ये भी मतलब है कि अगर हम बोलें कि ये मेरा देश है, ये मेरा प्रांत है, तुम्हें यहाँ आने के लिए वीज़ा चाहिए, यहाँ मत आओ, वहाँ मत आओ, यानी कि हम यही अपनी जो सेल्फिशनेस है इसी का दर्शाता है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य बोलते थे ये कुकुर की प्रवृत्ति है। जब कुत्ता एक स्थान में रहता है, दूसरा कुत्ता प्रवेश करता है तो वो ये होता है वीजा दो, पासपोर्ट दो। तो ये वह प्रवृत्ति है। और देखिए ये क्यों है, क्योंकि लोग एक दूसरे से डरने लगे। हर व्यक्ति को आतंकवादी देखा जा रहा है, इसलिए तो आपको चेक किया जा रहा है। तो अगर समाज में वो वैदिक शास्त्रों की शिक्षाएं आए, व्यक्ति चरित्रवान हो, तो ये फिर डर समाज में नहीं रहे। तो उस प्रकार से अगर अच्छे विश्व की घटना करनी है तो समाज में वैदिक शास्त्रों की शिक्षाओं को देना होगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सो लेट अस होप वील हैव अ वर्ल्ड विदाउट बॉर्डर्स एंड वी बी एबल टू ट्रैवल फॉर फ्री एनीवेयर वी लाइक एंड वीड ऑल बी वन फैमिली। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू। ऑन बिहाफ ऑफ मैचलेस गिफ्ट वी थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। नमस्ते। हरे कृष्ण।